इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक प्रोहिल का क्रैंकसेट अनबॉक्स करके उसका स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स आप लोगों से साथ शेयर किया था और आप लोगों को बताया था कैसे आप इसको 2x में कन्वर्ट कर सकते हो और 2x में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या क्या है। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लो। और मैं इस वाले वीडियो में एक सील्ड बियरिंग कैसेट हब का अनबॉक्सिंग करके आप लोगों से साथ शेयर करूंगा इसका स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स और थोड़ा डिस्कशन भी करूंगा कैसे आप इसको क्विक रिलीज से सॉलिड एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और इसको भी मैंने फ्लिपकार्ट के सेल से ही खरीदा है। ऑब्वियसली इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, बट वो तभी काम करेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। और इसका प्राइस है 2200 रुपये, बट अभी थोड़ा वो बढ़ गया है। मैं अब एक नाइफ के हेल्प से बॉक्स को काट लेता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करो। तो चलो ये तो अनबॉक्स हो गया, बट इसका पैकेजिंग उतना कुछ खास नहीं है। मैंने कई बार देखा है फ्लिपकार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो फ्लिपकार्ट वालों आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दो। तो ये रहा मेरा रियर हब और ये है फ्रंट हब। थोड़ी देर में आप लोगों को इसका डिटेल्स पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो हब कुछ इस प्रकार से है। इसको हाथ में पकड़ के उतना प्रीमियम फील तो नहीं आता है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह है, बट अगर मैं उसमें कलर कर दूँ तो वो ठीक हो जाएगा। अगर मैं इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये देखकर तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बट परफॉर्मेंस की बात अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो आप लोगों को इन फ्यूचर पता चल जाएगा। और इस हब का पूरा शेल यानी हब बॉडी एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो आपके साइकिल में स्टॉक जो हब रहता है उससे तो ये हल्का ही होगा। इसके फ्रंट हब का वेट है 345 ग्राम और इसके रियर हब का वेट है 545 ग्राम। और अब इसका साउंड सुनो। इसका साउंड कुछ इस प्रकार से है। आपके साइकिल में जो नॉर्मल फ्री व्हील लगा रहता है इसका साउंड भी कुछ वैसा ही है, ये उतना लाउड नहीं है। और अगर मैं इसके हब एंगेजमेंट की बात करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से है। ये कभी कभी एकदम तुरंत पकड़ लेता है और कभी कभी थोड़ा लेट करता है। हब एंगेजमेंट क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हब एक दिशा में फ्रीली घूमता है, देन उसको जब आप उल्टी दिशा में घुमाने जाओगे तब वो लॉक होके चेन एंड गियर्स के थ्रू व्हील को घुमाएगा। तो फ्रीली घूमने के बाद जब वो लॉक होके व्हील को घुमाता है इस लॉक हो जाने को ही हब एंगेजमेंट कहा जाता है। जिस हब का हब एंगेजमेंट जितना फास्ट होता है उसका पावर ट्रांसफर उतना ही अच्छा होता है, वो हब उतना ही लाउड होता है। ये हब एंगेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है हब का साउंड कैसा होगा। जितना फास्ट हब एंगेजमेंट उतना ही लाउड साउंड होता है। और हब एंगेजमेंट इंक्रीज होने से जैसे साउंड बढ़ता है वैसे हब का प्राइस भी बढ़ता रहता है। हब एंगेजमेंट डिपेंड करता है हब के अंदर कितने पॉल्स रहेगा। जितना ज़्यादा पॉल्स रहेगा हब का एंगेजमेंट उतना फास्ट होगा और हब का साउंड उतना ही लाउड होगा। हाई एंगेजमेंट हब को और डिटेल से जानने के लिए आप GMBN के इस वीडियो को देखो। एक कैसेट हब को खरीदने के समय आपको कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना होगा, वो क्या क्या है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। और नंबर 1 है स्पोक काउंट्स। हब 2 स्पोक काउंट्स के साथ आता है, एक है 32 होल वाला हब और एक है 36 होल वाला हब। तो आपके साइकिल में जितने स्पोक्स रहेगा आपको उस हिसाब से हब को खरीदना होगा। लाइक अगर आपके हब में 32 स्पोक्स है तो आपको 32 होल वाला हब खरीदना होगा, और आपके साइकिल में 36 होल्स है तो आपको 36 होल वाला हब खरीदना होगा। पर ज़्यादातर साइकिल्स में 36 स्पोक्स ही रहता है, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, देन एक हब को खरीदो। एंड सेकेंड है आपका जो हब है वो कितने स्पीड गियर्स को सपोर्ट करता है। तो आप जब भी एक कैसेट हब को खरीदने जाओ तो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक करो कि आपका वो हब कितने स्पीड गियर्स को सपोर्ट करता है। अगर उधर लिखा हुआ है 7 स्पीड सपोर्टेड हब है तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इन फ्यूचर अपर गियर्स में अपग्रेड करने जाओगे तो आपको हब को ही चेंज करना होगा। तो आपको एटलीस्ट जिधर लिखा हुआ है 8 स्पीड सपोर्टेड तो आपको उस हब को ही लेना होगा, क्योंकि 8 स्पीड सपोर्टेड हब 8 स्पीड टू 10 स्पीड गियर्स को इजीली सपोर्ट कर जाता है इसीलिए। और इसके फ्री हब बॉडी का लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर, यानी परफेक्ट फॉर ए 8 टू 10 स्पीड कैसेट। और इस हब का टोटल लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर।
और फ्रंट हब का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट्स आपको हब खरीदने के समय बहुत हेल्प करेगा। एंड नंबर 3 है डिस्क रोटर माउंटिंग सिस्टम। अगर आप स्पेशली शिमानो हब लेने के ही सोच रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। शिमानो में दो तरीके के डिस्क रोटर माउंटिंग सिस्टम आता है, एक है स्टैंडर्ड 6 बोल्ट और एक है सेंटर लॉक माउंटिंग सिस्टम। मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूंगा आप एक सेंटर लॉक छोड़ के एक 6 बोल्ट माउंटिंग सिस्टम ही लो, क्योंकि अगर आप एक सेंटर लॉक हब लेते हो तो आपको उसके लिए स्पेशली अलग से रोटर खरीदना होगा। लेकिन अगर आप 6 बोल्ट हब लेते हो तो आपके साइकिल में जो अभी रोटर लगा हुआ है आप उसके साथ भी जा सकते हो। और सेंटर लॉक हब में रोटर का प्राइस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 6 बोल्ट रोटर, क्योंकि वो ज़्यादातर शिमानो का ही मिलता है। और 6 बोल्ट हब में आप किसी भी कंपनी या लोकल ब्रांड का रोटर्स भी लगा सकते हो, वो बहुत ही आपको सस्ता पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूँगा आप एक 6 बोल्ट हब ही लो। और कुछ हब्स होता है वी ब्रेक के लिए, आप उस हब में डिस्क रोटर को नहीं लगा सकते हो, तो हब खरीदने के समय आप इस बात का भी ध्यान रखो। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, वो है इस क्विक रिलीज को सॉलिड एक्शन में कन्वर्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोगों के लिए जो लोग स्टंट वगैरह परफॉर्म करते हैं। वैसे भी क्विक रिलीज से सॉलिड एक्सेल सिस्टम ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि क्विक रिलीज सिस्टम में एक चोरी होने का डर रहता है, क्योंकि अभी बहुत लोग जानते हैं इसे कैसे खोला जाता है। और सेकेंड है, इसमें पेग्स को नहीं लगाया जा सकता है और क्विक रिलीज सिस्टम कभी कभी लूज भी हो जाता है, इसलिए भी वो अनसिक्योर है। बहुत सारे लोग फ्री व्हील सिस्टम से कैसेट सिस्टम में अपग्रेड करते हैं, क्योंकि फ्री व्हील सिस्टम में कुछ लिमिटेशन रहता है। पहली बात, उसमें गियर लिमिटेड होता है। सेकेंड थिंग, फ्री व्हील सिस्टम में रेयर एक्सेल बार बार बेंड हो जाता है। रेयर एक्सेल बेंड हो जाने का जो प्रॉब्लम है उसका एक परमानेंट सोल्यूशन मैंने आप लोगों को दिखाया है, आप उस वाले वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर ही है। लेकिन फ्री व्हील सिस्टम में एक एडवांटेज मिलता है, उसमें सॉलिड एक्सेल मिलता है तो आप इजीली उसमें पेग्स को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन जब आप फ्री व्हील सिस्टम से कैसेट सिस्टम में अपग्रेड करने जाओगे तो आपको उसमें सॉलिड एक्सेल नहीं मिलेगा, आपको उसमें क्विक रिलीज सिस्टम ही मिलेगा। लेकिन क्विक रिलीज सिस्टम में आप पेग्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। पेग्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्विक रिलीज हब को सॉलिड एक्सेल में कन्वर्ट करना होगा। इन कैसेट हब्स को क्विक रिलीज से सॉलिड एक्सेल में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली इस रेयर हब को, इसलिए आपको यूट्यूब में शायद ही कोई वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। बट आप मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं इससे रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।